शुक्र के गोचर से जहां कुछ राशियों को लाभ होगा तो वहीं कुछ राशि के जातकों को इस दौरान विशेष सावधानियां भी बरतनी होगी। शुक्र ग्रह के निमित्त उन्हें कुछ उपाय भी करने होंगे जिससे उन्हें शुक्र का विशेष फल प्राप्त हो सके। हरिद्वार के ज्योतिषी पंडित शशांक शेखर शर्मा ने लोकल 18 को बताया कि 18 सितंबर की सुबह 8:30 बजे तुला राशि में शुक्र ग्रह प्रवेश करेंगे। शुक्र के गोचर से जहां कुछ राशियों की लॉटरी लगेगी तो वहीं कुछ राशि के जातकों के लिए यह गोचर ठीक नहीं रहेगा। शुक्र जो है तुला राशि में आ गए हैं तो माला भी बन रहा है, लगभग सभी राशियों को इससे फायदा होगा, लाभ होगा, क्योंकि शुक्र अपने आप में ही जो उनकी एक कारकत्व तो है वो भौतिक सुख सुविधा का है, लग्जरी लाइफ का है। लेकिन वृश्चिक राशि से शुक्र 12वें घर पर है और वृश्चिक राशि वालों के लिए शुक्र सप्तमेश होते हैं, विवाह स्थान के स्वामी शुक्र हो जाते हैं, पत्नी के स्वामी या जीवन साथी के स्वामी हो जाते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ शुक्र तुला राशि में वृश्चिक राशि वालों को थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा नुकसान ये दे सकते हैं कि परिवार में जीवन साथी के साथ तनाव की स्थिति बन जाए। हाँ, अगर उनके जीवन साथी उनसे दूर रहता है, कहीं बाहर जॉब करते हैं तो वो उनके लिए लाभ है, जीवन साथी को भी प्रोफेशनली लाभ मिलेगा। लेकिन अगर वो साथ ही रहते हैं तो ये समय थोड़ा सा ध्यान रखने वाला है वैवाहिक स्थिति को देखते हुए। तो उपाय क्या करने होंगे? अगर विवाह की बात करें, अगर आपकी अपने लाइफ पार्टनर के साथ अनबन चल रही है तो आपको भगवान शिव को शुक्रवार को सफेद पुष्प मिश्री मक्खन, घर का बना हुआ मक्खन और जल अर्पित करना चाहिए। ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः। बाकी लोगों के लिए ये उपाय सबसे बेस्ट है। किसी की शुक्र की दशा अंतरदशा चल रही है तो उनको इस समय ये उपाय करना चाहिए। इस स्फटिक की माला से 108 मंत्र, शुक्र का बीज मंत्र है ये, ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः।